नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक 40x30 प्लॉट में एक डुप्लेक्स हाउस का डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो बाहर से ये कितना कॉन्टेम्प्रेरी दिखता है ये डिज़ाइन। तो ये डुप्लेक्स हाउस विथ कार पार्किंग है, और ये 30x40 नहीं है, ये 40x30 है। मतलब रोड साइड 40 है, साइड में 30 है। तो ये आप बाहर से देख पा रहे हो कि एक बालकनी भी है कार पार्किंग के ऊपर। और मैं आपको थोड़ी देर में अंदर से भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है, इंटीरियर डिज़ाइन कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। और जो पहले 20 लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं उनको सिर्फ 200 रुपीज़ में इस घर का प्लान मैं दे दूँगा, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है तो ये एक इनॉग्रल ऑफ़र है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और आपको कुछ प्लान चाहिए, कुछ 3D डिज़ाइनिंग करवाना है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसे मैं आपको 3D रेंडर करके दे दूँगा। तो बाहर तो आपने देख लिया है, तो अंदर से भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है, तो सेंटर से आपको एंट्री मिलेगा। तो अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा लिविंग एरिया मिलेगा, तो सामने आपको एक डाइनिंग एरिया मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको किचन। तो एक ओपन डिज़ाइन रखा गया है, क्योंकि ये प्लॉट साइज़ 40x30 है, क्योंकि छोटा प्लॉट साइज़ है, तो इसीलिए जो सर्विस एरिया है, लिविंग एरिया, किचन और डाइनिंग, इसको ओपन रखा गया है, ओपन डिज़ाइन। तो राइट साइड में आपका मास्टर बेडरूम और जो मेन बाथरूम और एक छोटा सा रूम आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम ग्राउंड फ्लोर देखने जा रहे हैं। तो ये एंटर करते ही आपका एक बड़ा सा लिविंग एरिया दिखेगा, वॉल यूनिट आप देख सकते हो। फ्लोरिंग के लिए हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है। तो इधर किचन में भी हमने एक ग्रेनाइट का स्लैब दिया हुआ है एल शेप में, और उधर भी 7 फीट तक टाइलिंग किया है। टाइलिंग आप चेंज कर ही सकते हो आपके डिज़ाइन के हिसाब से, मैंने जो ऑर्डिनरी डिज़ाइन है वो भी वही लगा दिया है। और डाइनिंग एरिया से बाहर भी आप जा सकते हो, इधर एक विंडो भी दिया है, बड़ा सा विंडो, ताकि इनफ सनलाइट आए। और इधर है सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, और इधर हमारा मास्टर बेडरूम आ जाएगा। तो अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम विथ अटैच्ड बाथरूम। तो इधर वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से आपको भरपूर हवा और रोशनी आएगा। तो ये आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम, थोड़ी देर में आपको ये अटैच बाथरूम भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये एक ये अटैच बाथरूम है, तो 7 फीट तक टाइलिंग किया हुआ है। और ये ऑलमोस्ट 4 फीट वाइड है, जो काफ़ी है, थोड़ा सा लंबा है, वाइड सिर्फ 4 फीट है। वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। और ये है आपका मेन बाथरूम, जो गेस्ट वगैरह जो आते हैं तो उनके लिए। ये थोड़ा बड़ा है, 5 फीट वाइड है, 5.5 फीट वाइड है, तो इसमें भी वेंटिलेशन है। और घर के चारों तरफ भी ऑफसेट दिया है मैंने, ताकि वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये लॉकडाउन का ज़माना है दोस्तों, तो थोड़ा तो ऑफसेट देना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, है ना।
इधर भी 7 फीट तक टाइलिंग दिया हुआ है और फ्लोर में भी डिज़ाइनर टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स लगाया है। और इधर बाहर निकलते ही आपको राइट साइड में एक और छोटा सा रूम मिलेगा। इसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं है क्योंकि मेन बाथरूम तो दरवाज़ा खुलते ही आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों के लिए एक छोटा सा कमरा है। इसमें एक आराम से सिंगल बेड फिट हो जाएगा, एक स्टडी टेबल भी फिट हो जाएगा, साथ में आप वार्डरोब बनाना है तो वो भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इधर वुड फर्निशिंग का कोई दिखाया नहीं है पर इतना जगह तो है। एग्जैक्ट डिमेंशन आपको प्लान में मिल जाएगा। अगर आपको प्लान चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। स्टार्टिंग 20 लोगों को मैं सिर्फ 200 रुपीज़ में ये प्लान देने वाला हूँ, तो जल्दी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स का प्रावधान है अंदर से, क्योंकि एक डुप्लेक्स डिज़ाइन है तो अंदर से ही स्टेयर्स दिया है मैंने। तो ये भाड़े के लिए नहीं है, ये पर्सनल ओन यूज़ के लिए है, तो इसीलिए अंदर से स्टेयर्स है ताकि ऊपर भी आप एक एंटरटेनमेंट एरिया, लिविंग एरिया और एक दो और बेडरूम बना सके, साथ में एक बालकनी भी। तो ये ऊपर से टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन दिखाऊंगा। ये बालकनी है फर्स्ट फ्लोर में जो अंदर से एक्सेस होता है, तो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। तो इधर भी आपको एक बड़ा सा लिविंग एरिया, एंटरटेनमेंट एरिया और दो बेडरूम है, एक बेडरूम में अटैच बाथरूम है, ऐसा मिल जाएगा। तो सेम नीचे जैसा है वैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इधर आपको किचन नहीं आएगा। तो इधर आप देख सकते हो नीचे से सीढ़ी से हम ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर में। तो इधर आप देख सकते हो तो ऐसे ही खुलेगा, तो ये बड़ा सा स्पेस मिलेगा आपको क्योंकि किचन नहीं है। तो इधर आप बड़ा सा एक एंटरटेनमेंट एरिया, कम लिविंग एरिया बना सकते हो फैमिली के लिए। और इधर एक बड़ा सा विंडो विथ डोर मिलेगा आपको बाहर जाने के लिए बालकनी में। तो सुबह और शाम के टाइम पे चाय पीने के लिए एक मस्त बालकनी तो चाहिए। तो दोस्तों 40x30 में पूरा स्पेस का यूटिलाइज करते हुए गराज के साथ, बालकनी के साथ 4 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस में आपको बना के दिया हूँ। उसमें 2 बेडरूम में अटैच बाथरूम है, 2 बेडरूम में अटैच बाथरूम नहीं है। और एकदम कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है आप देख सकते हो। तो इसका प्लान आपको चाहिए, कुछ और प्लान आपको बनवाना है, कस्टम प्लॉट का रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको डिज़ाइनिंग बनवाना है, 3D का लैंडस्केपिंग ऐसा करवा के देखना है, तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बनवा के दे दूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।